सरगुजा के हिल स्टेशन और छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में महोत्सव का शुभारंभ हो गया है, लेकिन महोत्सव में काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। केवल अव्यवस्थाएं नहीं बल्कि अवैध कारोबार भी जमकर फल फूल रहा है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग महोत्सव में अवैध बार का संचालन कर रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस रास्ते में अवैध बार का संचालन हो रहा है, उस रास्ते से पिछले 10 दिन में कलेक्टर, एसपी और तमाम आला अधिकारी कई बार गुजरे हैं, लेकिन उनकी नजर इस बार पर नहीं पड़ी। हालांकि कलेक्टर ने ये जरूर कहा कि मैनपाट में किसी बार के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है, मतलब साफ है कि बार अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी ने भूपेश सरकार की शराबबंदी के दावे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि शराबबंदी की बात करने वाली सरकार शराब को प्रोत्साहन दे रही है। नहीं, अभी किसी को अनुमति नहीं मिला है, और यदि कोई ऐसा है तो उसको हम यहीं हूँ, जांच करवा लेता हूँ, बंद करवा दूंगा, तो अवैध होगा। कितनी बार नहीं खोला गया, किसी को अभी अनुमति नहीं मिली है, और यदि ऐसा कोई है तो अवैध है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार शराब बंद करने के बजाय शराब को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है, हम पहले दिन से बोल रहे हैं। और मैनपाट महोत्सव में अवैध रूप से शराब दुकानों का संचालन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां पर प्रशासन के सारे आला अधिकारी, सारे वरिष्ठ मंत्री, मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष और स्थानीय मंत्री, सारे लोग जब वहां पर हैं तो उनके सामने इस प्रकार का अवैध कारोबार शराब का चल रहा हो, तो इससे बड़ा प्रोत्साहन का उदाहरण और कोई नहीं मिल सकता।